कश्मीर में इन्होंने काला कानून लाया है जो ये वापस करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज के डेट में जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं वो सारे इस वक्त डोमिसाइल मांग रही हैं, वो अपना हक मांग रही हैं और अलग से रहना चाहती हैं। हमारे यहाँ की नौकरियाँ इन्होंने बेच दी हैं, हमारे यहाँ की ज़मीनें बेच रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अंबानी अडानी को सब कुछ बेच रही थी बीजेपी, आज वो जम्मू कश्मीर स्टेट को भी बेचना चाहती है। और हमारे यहाँ आने वाला जो टाइम है हमारे बच्चों के लिए, हम उनको सिक्योर करना चाहते हैं। पीडीपी की ये मांग है कि ये जो काला कानून इन्होंने लाया इसको वापस करें। जब इन्होंने 370 हटाया था जम्मू कश्मीर से, उस वक्त हमारे जम्मू के डोगरों को इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ पे रोड जो होंगे वो आपके लोहे पूछे अपने सोने के रोड बनेंगे, यहाँ इतनी डेवलपमेंट होगी और यहाँ इतना रोजगार हो जाएगा। आपने देख ही लिया कि उसके बाद कितना रोजगार दिया इन लोगों ने। और ये सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को लड़ाने के अलावा, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उस पर ये सियासत होती है। मंदिर मस्जिद कर लो, इस पर बीजेपी की सियासत है। हमारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को पागल बना के इन्होंने जब 370 हटाया था, उसके बाद डेवलपमेंट देख लिया। हमारे आज हर डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं वो रोड पे हैं, बेरोजगारी चरम पर है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को यकीन मानिए आप, खाना खाने के लिए लोगों को नहीं, लेकिन इनका काम जो है वो ये है कि इनके जो अपने लोग हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बाकी वाले जो है बस ये ही देशभक्त हैं बीजेपी वाले, बाकी वाले हम देशभक्त नहीं है क्या? इनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे कि आप हमें सर्टिफिकेट दे दो कि जी हम देशभक्त हैं कि नहीं है। आप जिन लोगों ने आज तक आरएसएस के एजेंटों ने, इन्होंने जी जो आरएसएस के एजेंट यहाँ पे आके हमारे ऑफिस पे इन्होंने हमला किया था, झंडा हम लगाते हैं 26 जनवरी में, हमारा झंडा होता है 15 अगस्त में झंडा लगाते हैं, हमें हम जम्मू कश्मीर के बल्कि हिंदुस्तान के लोग सारे झंडे को हम उसका बहुत आदर मान करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो काम है ये कर लो। आज इनके पास लोगों के पास जाने के लिए कुछ नहीं है और उसके बाद और कुछ नहीं, चलो ये झंडा उठाओ तो ये कर लो। इसे क्या सबूत करना चाहते हो? जम्मू का रोजगार, पीडीपी के ऑफिस पे झंडा पहले भी होता था, जम्मू के पीडीपी ऑफिस पे झंडा लगाने से रोजगार नहीं, लोगों का आप जवाब देना जो आप बनता है, लोगों का जवाब मांगेंगे फिर भी लोग आपसे रोजगारी पे जवाब मांगेंगे। आपने आज बिजली यहाँ पे प्राइवेट कर दी है, गाड़ी जो छोटी गाड़ी लेगा बड़ी गाड़ी लेगा उस पर टैक्स है, आज जम्मू में किस टूल टैक्स लगा दिए आपने, कौन कौन सा जुल्म नहीं किया जम्मू के लोगों के साथ? और आइए बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, हम जानते हैं आप कितने देशभक्त हो।